दोस्तों की हाल चाल है भाई। चार दिन हो गए खड़े हुए, नंबर नहीं आ रहा। बद्दी जा रहा हूँ मैं गाड़ी लेकर नालागढ़ में। भाई काफ़ी मंदा पड़ चुका है, लेकिन नंबर मैंने नालागढ़ से उठाया था तो इसलिए शायद नालागढ़ से नंबर नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी चार ब्रांच हैं, हम चारों में कहीं भी जा सकते हैं। अब जा रहा हूँ मैं बद्दी ब्रांच में, उसके बाद मेरी बरोटी वाला ब्रांच में भी नंबर होता है और हमारा बघेरी ब्रांच में भी नंबर होता है। यानी कि चार ब्रांचों में हम कहीं भी नंबर जो है अपना उठा सकते हैं। चलते हैं हम बद्दी की तरफ। बरसात बहुत हो रही है, आज सुबह से ही बरसात हो रही थी, तो भाई हम जा रहे सीधा बद्दी ब्रांच की तरफ, क्योंकि बरसात में भाई बहुत ही जो है हालत ख़राब हो जाती है बद्दी की। तो बद्दी ब्रांच की तरफ हम निकल चुके हैं। ये आ गया ये हमारा नालागढ़ का कॉलेज, यहाँ जा रहे हैं बच्चे स्कूल को। ये देखो बच्चे जा रहे कॉलेज, नालागढ़ का कॉलेज आ गया ये। भाई सीधा भी बद्दी ब्रांच में हम निकल चुके हैं बद्दी की तरफ। रोड का इतना बुरा हाल है भाई, क्या बताएं। देखो कितने गड्ढे पड़े हुए हैं। बद्दी का रोड है जहाँ पे सबसे बढ़िया इंडस्ट्री एरिया, यहाँ से सरकार का पेट भरता है, लेकिन भाई ये रोडों की हालत देख लो। कोई फैक्ट्री लगा लेगा यहाँ पे आके, रोड को देख कर ही मुड़ जाएगा, बोलेगा हरियाणा में लगा लूँगा, यूपी में लगा लूँगा, टैक्स फालतू दे दूंगा, पर यहाँ फैक्ट्री नहीं लगाऊंगा इस हालत को देखते हुए। क्योंकि टैक्स की तो पैकेज है वो भी ख़त्म ही हो चुका है, होने वाला ही है। कोई फैक्ट्री नहीं यहाँ लगाएगा भाई, बेरोजगारी और फैलेगी, चोरियाँ चकारियाँ और बढ़ेगी। देख लो क्या हालत है रोड की। मैं तो यार महीने डेढ़ महीने के बाद आया हूँ, देखा रोड का हालत भाई, रोना आ रहा रोड का। ये बद्दी है हमारा बद्दी, कितने लोगों को रोजगार देने वाला बद्दी। क्या एक रोड नहीं से बनती, रातों रात रोडे बन जाती है, बताओ। 5 साल हो गए इस रोड नहीं बन रही, आज से ये 10-15 साल पहले रोड बनना चाहिए, लेकिन कोई भी जो है भाई रोड बन नहीं रहा। देख लो क्या हाल है। सब जगह शिमला के लिए 4 लेन चला गया, कुल्लू के लिए 4 लेन चला गया, ये 16 किलोमीटर का इनसे एक टुकड़ा नहीं बनाया जा रहा है। क्या करेंगे यार भाई है? कोई कहता मेरे खंभे अड़ रहे हैं, कोई कहता मेरी बिजली जा रही है, कोई कहता मेरे को दोबारा लोन चाहिए और चाहिए मुआवजा। लोगों का पेटे नहीं भरते, पता नहीं कितनी कितनी बार मुआवजे ले ले लोगों ने इस रोड के ऊपर। भाई बहुत ही बुरा हाल है भाई, इस देश को ऐसा लगता है कि छोड़ के चला जाऊं सच में यार। इतना गुस्सा आता है इस देश से मेरे को, ना तो कोई रोड सही बन रहा है ठीक है, कितने लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं यार, कोई इनको फर्क नहीं पता। इतने बशर्म है ना ये, क्या बोले यार भाई। भाई गाड़ी क्या बंदे ने बना रखी है, भारत बेंच गाड़ी है भाई, 10 चक्का गाड़ी है भाई, इतनी सुंदर बना रखी कि अजीम प्रेस है, प्रेस का लिखा है इसने भाई। क्या हाल हो गया, बद्दी का पानियों पानी चल रहा है भाई, बुरा हाल। मोटरसाइकिल वालों के कपड़े बिक जाते बेचारों के, है क्या करूंगा बंदा यार। ये देश है, ये देश बिल्कुल रहन योग नहीं है, ना उरे दा खाना पीना है, ये देश रहन योग है दस दो पहला बंदा यार। बहुत औखा है भाई, देखो तो सही कितना नरक लोग बनाता भाई, ना बद्दी का नरक नहीं बनाया भाई, ना सब पैसे गेम है, पैसा ला ही नहीं रहे, और पता नहीं ला रहे हैं या खा रहे भाई, दो ही काम हो रहे हैं। MLA तगड़े तगड़े बन के आ गए वे इत्थे भाई, लेकिन काम को मुरा कोई नहीं होता है, चाहे कांग्रेस आए चाहे BJP आवे भाई। आ देख लो क्या हाल है, देख लो उसे क्या हाल है। अरे बंदे तो अभी हम डाल रहे गाड़ी में तरपाल, जोगा भाई हमारे को मिल चुका है, तो तरपाले डालनी भाई सबसे कठिन काम है ड्राइवरों के लिए। क्या करे भाई, गाय घूम रही है इधर, देख सकते अभी हमारी गाड़ी इधर खड़ी है, तो तरपाले भाई पहले तो जाल मार के छोड़ दिया हमने, जोगा भाई मिल गया हमारे को। जोगे आ जा फिर कवर फेयर मारते हैं। तरपाले डालने का सबसे मुश्किल काम रहता है भाई ड्राइवर के लिए, तो देख सकते हैं भाई जाल बांध दिया हमने, तो ये जाल मारना बहुत मुश्किल रहता है। अभी नंबर गाड़ी का आ नहीं रहा हमारी का, क्या करे भाई, तरपाले डालते हैं चलते हैं भाई ऊपर, वजन करके देखते कितना आ रहा। 1-4 बाजी वाह, क्या बात है। अभी हम लोड करने आए, भाई ने भी कठुआ लगाई, मैंने भी कठुआ लगाई, गाड़ी भर के निकलेंगे भाई सीधा हम जम्मू के लिए। जम्मू से पहले पड़ता है कठुआ। देख सकते हैं भाई बद्दी का नज़ारा जो है, भीड़ भड़क्का बहुत होता है बद्दी में भाई, इसलिए बच के रहना पड़ता है आपको भाई। ये देख सकते हैं भाई, सबको जल्दी रहती है यहाँ पे,
अभी हम पूरी शूटिंग करते हुए जा रहे हैं भाई, यहाँ से देख सकते हैं। ये लो जी भाई, बद्दी में अनंत देख सकते हैं, वो भी सीधा निकलेंगे हम यहाँ से नालागढ़ के लिए। क्या पंगा है, क्या लफड़ा है बताएंगे भाई। रात काफ़ी हो गई है, हमारे को 9:30 बज चुके हैं, अभी 10 बजे तक हम घर पहुंच रहे हैं अपनी स्कूटरी पर। देखो यहाँ पे रात को कई बार भाई चोर भी आते हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत बोलना। हम डेली के ब्लॉक वीडियो दिखाएंगे, क्या आपको अच्छे लगते हैं तो हमें अपनी सलाह भी ज़रूर दें। तो हम सुबह निकलेंगे भाई 4 बजे जम्मू के लिए, कैसा है वहाँ का ब्लॉक, कैसा है नज़ारा, कितना पैसा बचता है, कितना आता है खर्च। चंगा जी, सत श्री अकाल। ट्रांसपोर्ट लाइव को शेयर करें, लाइक करें, धन्यवाद।